कर्फ्यू के दौरान आगामी दिनों में दवाइयों की कमी से लोगों को जूझना पड़ सकता है, क्योंकि कर्फ्यू होने के चलते लोग बिना मतलब की दवाइयों का स्टॉक रखने की होड़ में लगे हुए हैं। इसी के चलते हमीरपुर जिला में भी दवाई विक्रेताओं के पास अगले कुछ दिनों की ही दवाइयां बची हुई हैं। वहीं दवाइयों के लिए सप्लाई नहीं आने से अब दवाई विक्रेताओं ने दवाइयों की कमी को जाहिर किया है। हमीरपुर बाजार में दवाई विक्रेता अभिषेक गुप्ता ने बताया कि लोग अगले 4-5 महीनों की दवाइयों को स्टोर करने में लगे हुए हैं, जिससे दवाई की दुकानों में दवाइयां खत्म हो रही हैं और दवाइयों की गाड़ियों की सप्लाई भी नहीं आने पर अब समस्या गहराने लगी है। कर्फ्यू लगा हुआ है, दवाइयों की क्या स्टेटस है? दवाइयां जो जो मेडिसिन केमिस्ट स्टोर है उनके पास जितना स्टॉक है उस हिसाब से तो ठीक है, पर अगली सप्लाई के लिए मुश्किल आ रही है, अगली सप्लाई नहीं आ रही है। हार्ट की जो लोग रेगुलर रूटीन पे खाते हैं, लोगों को पैनिक हो गया कि पता नहीं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, फिर वो कुछ मेरी शॉप से लेके जा रहे हैं, कुछ किसी और की शॉप से, ऐसे ऐसे करके स्टोरेज कर रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो लोगों से मेरी यही अपील है कि कृपया स्टोरेज ना करें, ये आप दवाइयाँ आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, इससे ताकि सप्लाई चेन बराबर बनी रहे। देखिए लोकल स्टॉकिस्ट तो सामान दे रहे हैं, उनके पास हमें अपने आप लेके आना पड़ रहा है, पर जो बाहर के स्टॉकिस्ट है, जो सर्कल हमारा पूरा होता है, जैसे कोई ऊना से आता है, कोई मंडी से आता है, कोई हम भी ऊना जाते हैं मंडी जाते हैं हमारे लोग भी, तो वो सर्कल टूट गया है और सब जगह एजेंसीज नहीं है, कहीं किसी चीज़ की एजेंसी कहीं पे है, किसी चीज़ की एजेंसी कहीं पे है, तो वो हम सब एजेंसी से सामान लेके अपना एक स्टोर में वैरायटी पूरी करते हैं, तो वो वैरायटी नहीं पूरी हो पा रही है और स्टॉक भी लोकल स्टॉकिस्ट भी सप्लाई कम होती जा रही है। अब निचले बाजार में दवाई विक्रेता अमित का कहना है कि दवाई की सप्लाई नहीं पहुंच रही है और दवाइयों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा दवाइयां लेकर जा रहे हैं, जिससे समस्या पेश आ रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह ज़्यादा दवाइयां ना लें ताकि दवाइयों की कमी ना हो। हमें पीछे से स्टॉक जो सप्लाई चेन है वो टूट गई है, मतलब जो हमारा कंपनी से माल आता है वो नहीं आ रहा है, वो सारा बॉर्डर पर रुका हुआ है, उसको परमिट नहीं मिल रहा है उनको, तो उसका कारण जो हमें लग रहा है, जो एक तो ट्रांसपोर्टर बोल रहा है कि उसमें मिक्स सामान होता है ना, मेडिसिन भी अलग तो गाड़ी से है नहीं, उसे मिक्स है, हार्डवेयर भी है, सब कुछ है, तो सिंगल मेडिसिन जो होगी तो वो अलाउ करेंगे वो लोग, और सारी करेंगे अलाउ, क्योंकि फिर माल ट्रांसपोर्टर कहाँ रखेगा, उसके बाद इतनी जगह होती नहीं है, तो सप्लाई अभी तो सामान पड़ा हुआ है लग रहा है। और लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो एक एक महीने की दवाई लें जैसे पहले लेते थे, वो इतने पैनिक हो गए हैं कि वो 6-6 महीने की दवाई मांग रहे हैं, हम तो नहीं दे रहे हैं, बट क्वेश्चन है कि वो 6-6 महीने ले गए तो औरों को क्या देंगे फिर हम, तो हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक एक महीने दवाई लो, मेडिसिन का सप्लाई आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम आई है, तो एक हफ्ते में मेरा ख्याल है कि सारी सेटिंग आ जाएगी। जो आप जो क्रॉनिक पेशेंट हैं, जैसे कि बीपी है, शुगर है, तो वो पैनिक हो गए हैं, तो वो जैसे एक महीने की मेडिसिन लेते थे वो 3 महीने की मांग रहे हैं हमारे से, तो हमने केमिस्ट को केमिस्ट वहीं वो बोला हुआ है कि आप 1 महीने की दो, ज़्यादा मत दो, ताकि सबको पूरी हो सके मेडिसिन, क्योंकि जो छोटे दुकानदार हैं उनके पास स्टॉक होता है थोड़ा, उनका 30 गोली 60 गोली 90 गोली होती है, ठीक है ना, तो वो तो 2 पेशेंट ही ले जाएंगे सारी, तो वो एक प्रॉब्लम आने वाले टाइम में आ सकती है, क्योंकि अभी तो 3-4 दिन हुआ है ना, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आएगी कि शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन होगी होगी, क्योंकि सप्लाई चेन सारी ब्रेक हो गई है पिछली, ठीक है ना, हमारी गाड़ी हमारा टूर नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे हमें भी अभी परमिट नहीं मिल रहे हैं आगे से, तो अभी देखते हैं क्या होता है, बात करेंगे डीसी साहब से।